Hello students this is Tanushree so today we'll start introduction part of exercise 5.5 and exercise 5.6 so let's start फर्स्ट हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर तो देखो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्ट कैसे होगा ऐसे होना चाहिए कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए मींस 90 डिग्री होना चाहिए तो ही हम लाइंस को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे देखो एक लाइन है ए बी ठीक है और एक लाइन है सी डी जो इंटरसेक्ट हो रहा है देखो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट में है ना तो ये सी डी लाइन है और ए बी ए बी और सी डी इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एन ठीक है तो देखो ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है ये नाइन्टी डिग्री हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसको परपेंडिकुलर लाइंस है ना तो हम कैसे लिखेंगे देखो ऐसे लिखेंगे हम ए बी ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एन तो हम ऐसे लिखेंगे ठीक है परपेंडिकुलर साइन ये है तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर सी एन या तो लिखो ए बी परपेंडिकुलर एन सी ऐसे भी लिख सकते हो सी एन परपेंडिकुलर ए बी इसे भी लिख सकते हो या तो देखो ये तो एक लाइन है ना सी डी तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो बी परपेंडिकुलर सी डी ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो इसको हम परपेंडिकुलर ऐसे बोलेंगे तो देखो अगर ऐसे रहा तो इसको भी हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसको भी हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस अगर ऐसे रहा ठीक है एल शेप का ऐसे रहा तो ये एक लाइन और एक लाइन देखो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट में तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है तो इसको भी हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स ठीक है तो हमें समझना है ऐसे ऐसे अगर रहा तो इसको भी हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन्स तो ऐसे हमें समझना है अच्छा नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या है अ लाइन सेगमेंट विच बाई सेक्ट एन अदर लाइन सेगमेंट एट नाइंटी डिग्रीज तो देखो जब एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्रीज में तो तब हम उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर तो देखो एक लाइन सेगमेंट है ए बी ठीक है ये स्ट्रेट होना चाहिए ये लाइन सेगमेंट अच्छा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट देखो जो एकदम बीच से जाएगा ठीक है और एक लाइन सेगमेंट है एम एन ठीक है तो एन है ए बी का मीट पॉइंट एकदम बीच का पॉइंट ठीक है और एम एन जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स देखो 90 डिग्रीज में यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है है ना और बाइसेकट कर रहा है मीन्स दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है जो ए एन है ए एन इज इक्वल टू एन बी होगा ठीक है दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है तो तब हम बोलेंगे एम एन एम एन जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे एम एन दे आर एम एन इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी ठीक है तो ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का ठीक है क्योंकि 90 डिग्रीज में ये बाइसेक्ट कर रहा है और दो बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ठीक है तो एम एन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ट्राइंगल क्या होता है थ्री लाइन सेगमेंट से जो जियोमेट्रिकल फिगर बनता है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं तो ऐसे बनता है ट्राइंगल तो इसको हम बोलेंगे ए बी सी ट्राइंगल तो ए बी सी ये ट्रायंगल है और ट्राइंगल में क्या होता है थ्री साइड्स होता है और थ्री एंगल्स होता है अभी हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स तो ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस में देखो साइड्स की बेसिस में और एक एंगल्स की बेसिस में तो देखो साइड की बेसिस में ट्राइंगल्स की जो क्लासिफाई किया गया है तो इसमें कितना ट्राइंगल्स होता है थ्री ट्राइंगल्स होता है क्या क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल और स्केलीन ट्राइंगल तो फर्स्ट हम समझेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आ ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड से इक्वल होगा तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड से इक्वल होगा तो देखो तो ये है एक साइड इस साइड का लेंथ फाइव सेंटीमीटर है इस साइड का लेंथ है फाइव सेंटीमीटर और इस साइड का लेंथ भी है फाइव सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में देखो थ्री साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल है तो इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो अभी देखो अगर एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर रहा तो उस ट्रायंगल को भी हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है तो थ्री साइड्स ही इक्वल होना चाहिए तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी नेक्स्ट देखो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है अ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल में क्या होगा दो साइड्स कोई भी दो साइड्स इक्वल होना चाहिए तो ही हम उस ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल तो देखो इस ट्राइंगल में सपोज है ये है फोर सेंटीमीटर और ये है फोर सेंटीमीटर और ये जो साइड का लेंथ है ये फाइव सेंटीमीटर है तो देखो दो साइड की लेंथ जो है वो सेम है इक्वल है तो ये हो जाएगा आई ट्रायंगल ट्राइंगल तो देखो यहाँ पे अगर ये दो साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होता और ये अन इक्वल होता तो इस ट्राइंगल को हम बोलते आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता तो भी हम बोलते ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कोई भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए ट्राइंगल में तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी नेक्स्ट देखो स्केलिंग ट्राइंगल अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अन साइड्स इस कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल तो देखो इस ट्राइंगल में क्या होगा तीनों साइड से अन इक्वल होगा मीन्स इक्वल नहीं होगा तो देखो ये है सपोज फाइव सेंटीमीटर ये है सिक्स सेंटीमीटर और ये है सेवन सेंटीमीटर तो देखो थ्री साइड्स का लेंथ अन इक्वल है इक्वल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे स्केलिंग ट्राइंगल तो देखो इक्विलेट्रल ट्राइंगल में थ्री साइड्स इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होगा और स्केलिन ट्रायंगल में थ्री तीनों जो साइड्स होगा वो अनइक्वल होगा इक्वल नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट देखो एंगल्स के बेसिस में ट्राइंगल्स को क्लासीफाई किया गया है तो यहाँ पे भी थ्री ट्राइंगल्स है एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइ तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखो एक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है तो देखो यहाँ पे इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द्राइंगल इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो जो ट्राइंगल की तीनों एंगल ही नाइन्टी डिग्री से छोटा एंगल है उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो देखो यहाँ पे ये है एक ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सपोज़ ये है 60 डिग्री ये है 50 डिग्री ठीक है और ये है 70 डिग्री तो देखो यहाँ पे जो थ्री एंगल्स बन रहा है ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे देख लेना यहाँ पे जो तीनों एंगल्स की शाम है ये 180 डिग्री होना चाहिए अच्छा अभी देखो नेक्स्ट ऑप्टिवज़ एंगल ट्रायंगल ऑप्टिज़ एंगल मीन्स जो नाइन्टी डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो उसे ऑप्टिज एंगल बोलते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है इफ़ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑबट्यूज एंगल ट्रायंगल तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा कोई भी एक एंगल ठीक है तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑबट्यूज एंगल ट्रायंगल तो देखो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की एक एंगल है 120 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा और यहाँ पे है सपोज थर्टी फाइव डिग्री और यहाँ पे है ट्वेंटी फाइव डिग्री तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑप्टिज़ एंगल ट्रायंगल क्योंकि एक एंगल है नाइन्टी डिग्री से बड़ा एंगल तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिज़ एंगल ट्रायंगल और ये जो तीनों एंगल की सम होगा ये वन एट्टी डिग्री होना चाहिए अच्छा अभी नेक्स्ट देखो राइट एंगल ट्राइंगल If any one angle is a right angle, then the triangle is called right angle triangle. तो so, कोई भी एक triangle में एक angle जब 90 degree होगा तो उस triangle को हम बोलेंगे right angle triangle. तो देखो ऐसे होगा जब कोई angle 90 degree होगा तो इसे हम बोलेंगे right angle triangle, है ना तो ऐसे भी हो सकता है देखो एक एंगल 90 डिग्री है ठीक है तो कोई भी एक एंगल जब 90 डिग्री होगा तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल अभी देखो सपोज ये है ट्राइंगल जिसका एक एंगल है 90 डिग्री तो ये तो हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है तो अभी देखो अगर इस ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ इक्वल है सपोज ये सिक्स सेंटीमीटर ये भी सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है तो देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है जब दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल तो देखो यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है और आइसोसेलेस भी हो रहा है तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे भी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं आइसोसेलस राइट एंगल्ट ट्राइंगल तो ऐसे भी बनता है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव स्टार्ट करेंगे